दोनों थॉट्स हमेशा क्लिक करते थे बिकॉज आई न्यू कि द काइंड ऑफ फ्रेंड्स वी मेक इन कॉलेज वो वापस नहीं आएगा, ना तो वो एटमॉस्फेयर आ सकता है ना ही वो एनवायरनमेंट वापस आ सकता है. तो उसका मैंने इस तरीके से तालमेल बिठाया कि जो मेरी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी एज सच, जैसे कि अगर हम किसी क्लब्स के सेक्रेटरी बन सकते थे, आई वॉज देयर फॉर द स्पीकर्स एसोसिएशन जो हमारा डिबेटिंग क्लब है उसके लिए आई वॉज बींग नॉमिनेटेड, आई वॉज द क्लास रिप्रेजेंटेटिव. तो वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने गिव अप करी ताकि वहाँ से कुछ टाइम जो है वो निकाला जा सके, और जो फ्रेंड्स के साथ वाला टाइम है उसको थोड़ा कम किया. बट आई मेड श्योर कि मैं अपना वो जो लास्ट के 2 महीने हैं उसमें आई एंजॉय टू माय मैक्सिमम, बिकॉज आई हैड दिस थिंग इन माइंड कि दोस्त दोबारा नहीं मिलेंगे, तो ट्रिप्स वगैरह भी कुछ लगाए लास्ट में. बट उसके अलावा भी आई थिंक बहुत सारा टाइम बच जाता है जो कि हम टीवी सीरीज़ वगैरह देख के भी लोग वो सब देखना प्रेफर करते हैं, तो मैंने वहाँ से थोड़ा टाइम चुराया.